भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट का रविवार को तीसरे दिन था। भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाए। तीसरे दिन इंग्लैंड की पारी समाप्त हुई। जॉनी बेस्टो के शतक की बदौलत इंग्लैंड 284 रन तक पहुंच पाई। पहली पारी के आधार पर भारत ने 132 रन की बढ़त बनाई थी। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 125 रन बनाए। भारत ने 257 रनों की बढ़त बना ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ सोमवार को होने वाले दूसरे मैच में जीत से 3 मैचों की वनडे श्रृंखला अपने नाम करना चाहेगी और साथ ही अपने शीर्ष क्रम विशेषकर सलामी बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आखिरकार कोरोना को हरा दिया। रोहित के ताजा कोविड 19 टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया। इसी के साथ उन्हें आइसोलेशन से बाहर निकलने का मौका मिल गया। रोहित 7 जुलाई से शुरू होने वाले T20 सीरीज के लिए उपलब्ध हैं। सानिया मिर्जा और उनके क्रोएशियाई जोड़ीदार मेट पेवेक की जोड़ी विंबलडन मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में की। पूल बी का ये मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इंग्लैंड के लिए इजाबेल पीटर ने गोल किया, वहीं वंदना कटारिया ने भारत के लिए इकलौता गोल किया। न्यूजीलैंड की टीम को आयरलैंड दौर से पहले बड़ा झटका लगा। टीम के कप्तान मिशेल सैंटनर कोरोना संक्रमित पाए गए। अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर मिशेल सैंटनर को नियमित कप्तान केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में T20 टीम का कप्तान बनाया गया था। सैंटनर के कोरोना संक्रमित होने के बाद टॉम लटम को न्यूजीलैंड टीम का कमान मिल सकता है। हालांकि लटम T20 का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनको मौका दिया जा सकता है। फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब किसी दूसरे क्लब से खेलने का मन बना रहे हैं। वो इसी सीजन से पहले अपनी टीम बदल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोनाल्डो ने अपने क्लब के सामने किसी दूसरी टीम से खेलने की इच्छा जताई। वो अब इंग्लिश प्रीमियर लीग की बजाय चैंपियंस लीग में खेलना चाहते हैं। इस वजह से रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलग होने के बारे में सोच रहे हैं। लिव मॉर्गन अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसिंग करके बनी नई चैंपियन। ऑस्टिन थ्योरी भी बने मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के विजेता। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, T20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।